हाँ तो भाई, कैसे, उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। देखो, इस वीडियो में बात करने वाले एक नए मूवी के बारे में जिसका नाम होने वाला है कटहल, और इसी करेंगे रिव्यू पर इस इंटरव्यू के बाद। तो अगर पहले स्टार्ट कर ले इसकी कहानी से कि स्टोरी क्या देखने को मिली है, पूरी स्टोरी क्या है। तो स्टोरी यार फोकस करती है एक कटहल के चोरी के ऊपर, जिसको पुलिस वाले खोज रहे हैं और जिसका खोया है वो खुजवा रहा है। अब उस कटहल में ऐसा क्या है और अनवल टाइम में स्टोरी में हमें क्या देखने को मिलता है, इन सब बातों को जानने के लिए आपको देखने को मूवी को जो मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर। अगर आप बात सुन के देखने प्लान करो जाने के बारे में सोच रहे हो तो 2 मिनट पहले वीडियो में रुक जाओ, पहले सुन लो कहानी कैसे लगने वाली है, स्क्रीन प्ले कैसा है, बैकग्राउंड स्कोर कैसा है मूवी का और पूरी मूवी कैसी है तो देखो, अगर पहले बात कर ले कहानी के बारे में तो स्टोरी का जो पॉइंट था वो ठीक था, मतलब कॉमेडी के मतलब से अच्छा था, क्योंकि जो कॉमेडी वाला पॉइंट है इस बीच में जो चोरी के बीच में निकल के आता है एक तरीके से सिचुएशनल कॉमेडी, वो चीज़ यार काफ़ी तक अच्छे से काम करती है पूरे मूवी में और हंसाने वाली है। कॉमेडी वाला जो पॉइंट है वो काफ़ी तक ठीक था स्टोरी में और लगभग यार फिट भी बैठता है। साथ में जो पूरा ब्रांडिंग का तरीका है वो भी काफ़ी तक ठीक लगा, अच्छा लगा, मतलब उसको ठीक बोल सकते हैं। वहीं अगर बोलना हो इसकी स्क्रीन प्ले के बारे में तो फर्स्ट हाफ यार लगभग ठीक लगा, वहीं जो सेकंड हाफ है वो भी लगभग सही था। कॉमेडी के पॉइंट से दोनों लगभग ठीक लगे, आपको हंसाते हैं। और सुनो, जो मेन पॉइंट था ये कोई एक सीरियस टोन के साथ नहीं चलती है पूरी टाइम मूवी, आपको किस तरीके से मतलब ये लोग कुछ बोलेंगे जिसका मतलब यार अच्छा होता है, उसे यार बहुत कुछ सीख सकते हो, पर जिस अंदाज में बोलेंगे वहाँ पे आप हंसने वाले हो। एक तरीके से सिचुएशनल कॉमेडी था पूरा का पूरा और स्क्रीन प्ले की राइटिंग लगभग यार ठीक की गई है, उसको अच्छा ही बोलोगे। वहीं जो मेन पॉइंट था इसका उसको लगभग ये लोग लास्ट तक खींचते हैं और लास्ट में जो पूरा क्लाइमैक्स है वो भी काफ़ी हद तक ठीक लगा, पसंद आया। वहीं अगर बोल रहा हूँ वीजीएम के बारे में तो मूवी का वीजीएम मेरे को डिसेंट लगा, मतलब काम चलाऊ बोल सकते हो। बोल रहा हूँ एक्टिंग के बारे में तो मेन लीड में इसमें देखने को मिलती हैं सानिया मल्होत्रा और उनका काम मेरे को अच्छा लगा, मतलब यार जिस तरीके से वो पुलिस वाली कैरेक्टर प्ले कर रही थी उस हिसाब से उनका काम यार ठीक था। उनसे लग जो उनके साथ में रह रहे थे कॉन्स्टेबल और बाकी लोग, उन सब काम यार सही लगा। जो एक नेता हैं और बाकी लोग भी जो देखने को मिलते हैं पूरे स्टार कास्ट में, उन सब काम भी यार बढ़िया था। तो ओवरऑल बोलना इस पूरे मूवी के बारे में तो मूवी यार एक बार देखने लायक है, आराम से देखने लायक है, वन टाइम वॉच है, कॉमेडी की वजह से आराम से देख सकते हो, हंसाने वाली मूवी और एक सिचुएशनल कॉमेडी है, बढ़िया कॉमेडी मूवी बोल सकते हो, जिसको आप टाइम पास के लिए एक बार आराम से देख के इंजॉय कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से एक बार जाओ देखो, इंजॉय करो, मज़ा आएगा देख के और हंसने वाले हो, काफ़ी हद तक हंसने वाले हो और काफ़ी कुछ नया दिखाएगी मूवी कॉमेडी के लिए। तो अगर आपको सिचुएशनल कॉमेडी चाहिए एक जिसमें आप देख के जिसको हंस लो अच्छे से, तो एक बार जाओ देखो एंजॉय करो। मिलते हैं वीडियो साथ में, ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और जल्दी मिलेंगे आपसे एक न्यू वीडियो साथ में।